नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे विज्ञान शिक्षण से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, इससे आपको ये हेल्पफुल हो। पहला क्वेश्चन है, अच्छी कंकाल में शामिल है। तो पहला, खोपड़ी में बच की अस्थियाँ, रीढ़ की अस्थियाँ, हाथ व पैरों की अस्थियाँ या चेहरे की अस्थियाँ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, यानी कि अच्छी व बच की अस्थियाँ जो होती हैं वो अच्छी कंकाल में शामिल होती हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में कुल अस्थियों यानी कि कुल हड्डियों की संख्या होती है 206, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। तीसरा है, चेहरे की अस्थियों की संख्या कितनी है। तो चेहरे में जो अस्थियां होती हैं वो 14 हड्डियां होती हैं चेहरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस अल्ना संधि कहाँ पर होती है। तो रेडियस अल्ना संधि जो होती है वो हाथ में होती है, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है। तो वयस्क मनुष्य में कशेरुकाओं की संख्या होती है 33 जोड़ी, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 33 जोड़ी। नेक्स्ट है, खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है 29। नेक्स्ट है, पटेला अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो पटेला अस्थि जो है घुटने में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है, कोहनी और घुटने की संधि क्या कहलाती है। कोहने और घुटने की संधि जो है वो हिंज संधि कहलाती है, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी। नेक्स्ट है, अरेखित पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो अरेखित पेशियाँ जो हैं ये सभी में पाई जाती हैं, रुधिर वाहिनी में, आरनाल और श्वास नाल में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आर लाइट। नेक्स्ट है, रेखित पेशियाँ हैं। तो रेखित पेशियाँ जो हैं वो हैं कंकाल पेशियाँ, इनको कंकाल पेशियाँ कहते हैं रेखित पेशियों को। नेक्स्ट है, प्रचलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं। तो पहला अनौच्छिक पेशियाँ, दूसरी कंकाल पेशियाँ, रेखित और हृदय पेशियाँ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंकाल पेशियाँ। नेक्स्ट है, पेशियों में गति का कारण क्या है। तो पेशियों में गति का कारण जो है एक्टिन व वायोमिन है, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट है, मानव में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में दूध के दांतों की संख्या होती है 10, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए। नेक्स्ट है, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र यानी कि दांत सूत्र जो होता है वो होता है ये 21:23/21:23×2, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के दांतों के ऊपर सफ़ेद चमकीली परत क्या कहलाती है। तो मनुष्य के दांतों के ऊपर सफ़ेद परत जो होती है वो कहलाती है इनेमल, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इनेमल कहलाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में अफसोसी अंग क्या है। तो मनुष्य में अफसोसी अंग है वो अपेंडिक्स, अपेंडिक्स अगर ये बढ़ जाए तो ये पेट में दिक्कत करने लगती है। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन का श्रावण कहाँ से होता है। तो इंसुलिन हार्मोन का श्रावण होता है आग्नाशय से, यानी कि बी से। पित्तरस श्रावित होता है पित्तरस एकृत से, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो है फर्स्ट। नेक्स्ट है, लैंगर हंस की द्वीपकाएँ कहाँ पाई जाती हैं। तो लैंगर हंस की द्वीपकाएँ जो हैं वो आग्नाशय में पाई जाती हैं, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी। नेक्स्ट है, परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या है। तो परिसंचरण तंत्र का कार्य जो है वो है भोज्य पदार्थों का परिवहन, हार्मोन्स का परिवहन और गैसों का परिवहन, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट है, हृदय स्थित होता है। तो हृदय जो स्थित होता है वो स्थित होता है बच्छगुहा में, यानी कि बच्छगुहा बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय में कच्छों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के हृदय में कच्छों की संख्या जो होती है चार कच्छ होते हैं मनुष्य के हृदय में। नेक्स्ट है, मनुष्य में रुधिर परिसंचरण का प्रकार होता है। तो मनुष्य में रुधिर परिसंचरण का प्रकार बंद प्रकार होता है, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट, किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। तो फुफ्फुस धमनी जो होती है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी।